स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसके एक्सरसाइज टू हम कर रहे थे, इससे पहले के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज टू में क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लेना बेटा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहली बात तो ये कि जो आपकी एक्सरसाइज टू है उसमें मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल का। यानी कि जो वेरिएबल्स हैं आपको सबसे पहले उनको सेपरेट करना होगा और उसके बाद में उनका इंटीग्रेशन करना होगा, देन आपको सॉल्यूशन मिलेगा उन डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो कि आपको गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, 6 और 7 मैंने आपको घर से करने के लिए बोला था, आई होप आपका हो गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कोज एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स। आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करोगे? इसमें हमें जो फंक्शन दिया गया है एक्स प्लस वाई, तो हम इसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट फंक्शन लेट कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन गिवन है उसको डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में लिख लीजिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, यहाँ से इधर 1 बचेगा, इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा कोज एक्स प्लस वाई। अब ये जो कोज एक्स प्लस वाई है, इसमें से एक्स प्लस वाई को कोई भी एक फंक्शन लेट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए वाई और एक्स और ये वाली टर्म आपको क्या मिल रही है, दोनों वेरिएबल्स का मिक्सअप मिल रहा है, तो आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा एक्स और वाई है, एक्स प्लस वाई, इसको लेट कर लेंगे किसी भी अदर वेरिएबल, सपोज दैट हमने इसको लेट किया वी के इक्वल, ठीक है। दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कीजिए, ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स। एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, ध्यान रखना एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, एक्स का करोगे तो 1 हो जाएगा, वाई का करोगे कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और वी का करोगे तो कितना आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ से अगर वैल्यू निकालो आप डी वाई ओवर डी एक्स की, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगी, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 की इक्वल आ जाएगी। अब डी वी डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आया, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1, और डी वाई ओवर डी एक्स हमारा किसके इक्वल है, 1 अपॉन कोज एक्स प्लस वाई के। तो डी वाई ओवर डी एक्स के प्लेस पे जरा ये वाली वैल्यू पुट करना, यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के प्लेस पे क्या पुट कर दो, वी पुट कर दो, तो टर्म कितनी आ जाएगी कोज वी। ये माइनस 1 है, दूसरी साइड जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो डी वी अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन कोज वी प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करो तो डी वी अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस कोज वी एंड अपॉन में कितना आ गया कोज वी। अब ये आपका दो वेरिएबल्स में बन गया, एक तो वी में और एक एक्स में। तो क्या करेंगे, वी वाले टर्म्स को एक साइड लिख लेंगे और एक्स वाले टर्म्स को एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये डी वी इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये वाले टर्म इधर चली जाएगी, तो कोज वी इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा कितना हो जाएगा कोज वी, इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 प्लस कोज वी, और इनटू में कितना है डी वी, डी वी आ गया इज इक्वल्स टू में, इधर यहाँ पे 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई किस में करोगे डी एक्स में। एक बार यहाँ तक करिए, यहाँ से आगे देखिए अब दोनों साइड क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो लिख देंगे ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इधर की साइड इंटीग्रेशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, cos v अपॉन 1 प्लस cos v इंटू डी वी इज इक्वल्स टू, इधर इंटीग्रेशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे देखिए आप इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन नीचे में टर्म क्या मिल रही है 1 प्लस cos v, तो हम क्या कर रहे हैं ऊपर वाले टर्म में 1 तो ऐड कर दें और माइनस कर दें क्या 1, एक बार तो 1 प्लस cos v के अपॉन में ले लीजिए वाले टर्म, और एक बार माइनस 1 के अपॉन में। तो इधर की साइड से टर्म क्या बन जाएगी, 1 प्लस कोज वी अपॉन 1 प्लस कोज वी इंटू डी वी एंड माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोज वी इंटू डी वी इज इक्वल्स टू, इधर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा आपका x आ जाएगा, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट जोड़ दोगे कितना c, चाहे तो इधर की साइड अभी लेके चलिए एज इट इज, सभी का एक साथ कर लेंगे 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये वाले टर्म से आपके वाले टर्म कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना बचा 1,
यानी कि 1 इंटू डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? देखिए 1 अपॉन कॉस वी का आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते, तो हम क्या राइट कर लेंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉस वी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा किसका, कॉस 2 थीटा का, किसके इक्वल होता है बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइड में फॉर्मूला लिखा रही हूँ, कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर यहाँ से बात करें ओनली कॉस थीटा की तो ये किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कॉस वी की वैल्यू चाहिए, अगर थीटा के प्लेस पे हम वी लेट कर ले तो कॉस वी किसके इक्वल आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर वी बाय 2 एंड माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा, और साथ में कितना चल रहा है, अच्छा यहाँ पे ये माइनस साइन है बच्चों, और इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा है, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो इधर की साइड टर्म क्या बची, 1 इंटू डी वी माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर वी बाय 2। 1 अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर वी बाय 2 की फॉर्म में, और इंटू में कितना है यहाँ पे डी वी है, और इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा है, 1 इंटू डी एक्स। अब सभी टर्म्स का क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको टर्म क्या मिल जाएगी, यहाँ से ऊपर देखिए v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे 1 का तो कितना आ जाएगा, v माइनस 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर v बाय 2। देखिए sec स्क्वायर थीटा का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के, तो ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, tan v बाय 2 के, एंड v के मल्टीप्लायर क्या है, 1 अपॉन 2, तो वो कहाँ आ जाएगा आपका, अपॉन में आ जाएगा, यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन करोगे x के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा x, और इसमें इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट जोड़ोगे कितना c। यहाँ से सभी टर्म्स को ठीक से लिख लीजिए, v माइनस इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, tan v बाय 2 इज इक्वल्स टू x प्लस c। v किसके इक्वल ऐड किया था हमने बच्चों, x प्लस y के इक्वल ऐड किया था, तो v के प्लेस पे x प्लस y पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, x प्लस y माइनस के tan x प्लस y बाय 2 इज इक्वल्स टू x प्लस c। यहाँ से देखिए इस x से आपका ये वाला x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बचेगी आपकी, y इज इक्वल्स टू ये माइनस का है, दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, tan x प्लस y बाय 2 प्लस c, और ये क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी थी उसका सॉल्यूशन, जो कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, फाइंड करना था। इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट करिए। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट बिल्कुल एज इट इज़ है, जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कराया उसी तरीके से करना है, बस आपका चेंज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले क्या था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में डी वाई था और इज इक्वल्स टू में कितना था, डी एक्स, इस बार बस ये वाली टर्म्स चेंज हुई हैं, तो उसमें आंसर किसके इक्वल आया था, वाई के इक्वल आया था आपका, एक्स जो था वो कैंसिल आउट हो गया था, इस बार क्या होगा आपका, वाई कैंसिल आउट हो जाएगा और टर्म क्या जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस वाई अपॉन टू प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो सेम उसी की तरह करना है, इसको नोट करिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, साइन इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो सेम जैसे अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में लैड किया था, एक्स प्लस वाई को किसी भी अदर वेरिएबल के इक्वल, इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे, जो आपकी टर्म है सबसे पहले इसको डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में लिख लीजिए, डी वाई ओवर डी एक्स इसके इक्वल आ जाएगा, ये साइन इनवर्स है, दूसरी साइड जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई में, तो यहाँ पे लैड कर लेते हैं क्या कि एक्स प्लस वाई को वी के इक्वल मान लिया, दोनों साइड का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, ऑन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे 1 आ जाएगा, वाई का करोगे कितना आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वी का करोगे कितना आएगा, डी वी ओवर डी एक्स, यहाँ से अगर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये प्लस 1 है, दूसरी साइड जाके माइनस 1 हो जाएगा, ये वाली वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ गया, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, वी। अब क्या करोगे, जो v वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड लिख लोगे और दूसरे टर्म्स को एक साइड, ये माइनस 1 है इसको दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन वी प्लस 1, यहाँ से देखिए साइन वी प्लस 1 इधर किसकी मल्टीप्लाई में है, 1 की मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड लेके जाओगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ पे टर्म हो जाएगी 1 अपॉन साइन वी प्लस 1
इंटू डी वी इज इक्वल्स टू वन इंटू, ये डी एक्स इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो अब ये जो टर्म बन गई है आप क्या कर दोगे, इनका दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हो, जैसे कि अभी हमने इसे पिछले क्वेश्चन में किया, या तो आप यहीं पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दीजिए या फिर क्या कर दीजिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए उसके बाद में इंटीग्रेशन करना। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए कितना है आपका साइन वी प्लस वन है, चाहे तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो बच्चों, वन प्लस साइन वी, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हो। अगर आपको इस टाइप से कोई भी एक रेशियल नंबर दे रखा है तो आप क्या करते हो कि उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हो, किससे, जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसमें प्लस की जगह माइनस साइन करके, या फिर माइनस साइन है तो प्लस साइन करके। तो वन प्लस साइन वी तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, किसकी, वन माइनस साइन वी की, और नीचे भी किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, वन माइनस साइन वी की। तो ऊपर टर्म कितनी आ जाएगी, वन माइनस साइन वी, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, वन का स्क्वायर वन, और ये आपका प्लस माइनस, यहाँ पे टर्म कितनी आ जाएगी, साइन स्क्वायर वी इंटू डी वी इज इक्वल्स टू वन इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ से आगे देखिए ऊपर वाले टर्म क्या है, वन माइनस के साइन वी, और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। तो वहां से अगर हम वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो किसके इक्वल आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा के प्लेस पे कितना है वी, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, कॉस स्क्वायर वी इंटू डी वी इज इक्वल्स टू में वन इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इनको एक बार इसके अपॉन में लिख लोगे, एक बार इसके अपॉन में, तो टर्म क्या बन जाएगी, वन अपॉन कॉस स्क्वायर वी माइनस, यहाँ पे देखिए आपकी टर्म क्या आ जाएगी, एक तो साइन वी अपॉन कॉस स्क्वायर वी, ठीक है, इंटू में कितना चल रहा है, डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन का साइन कहाँ से आ गया भाई, इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा अभी, अगर पहले भी कहीं पे लगा दिया हो मैंने तो उसको भी रफ कर देना, ठीक है। सो दोनों साइड का क्या कर लोगे आप, इंटीग्रेशन कर लोगे, अब लगेगा इंटीग्रेशन का साइन, ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड्स। यहां से देखिए साइन अपॉन कॉस स्क्वायर वी को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, साइन वी अपॉन कॉस वी इंटू वन अपॉन कॉस वी की फॉर्म में लिख सकते हो। क्यों लिखा हमने ऐसा, वन अपॉन कॉस वी क्या बन गया, सेक वी इंटू साइन अपॉन कॉस क्या बन गया आपका, टेन वी। क्या आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं पता, सेक थीटा इंटू टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, सेक थीटा के इक्वल होता है। तो सेम क्या करेंगे यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे डायरेक्टली, इधर आ जाएगा आपका वन अपॉन कॉस स्क्वायर वी, वन अपॉन कॉस स्क्वायर वी को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर वी, और इंटू में कितना आ गया, डी वी माइनस, इसको भी मैंने किस फॉर्म में लिख के दिखाया आपको, sec v into tan v, और इंटू में कितना आ गया, dv is equals to integration 1 into dx, sec square theta का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan theta, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, tan v minus sec theta into tan theta का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec theta, तो यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, sec v is equals to 1 का इंटीग्रेशन करोगे x के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, x, एंड इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट एड करोगे कितना आ जाएगा, c। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया, और हमने v को क्या लाइट किया था बच्चों, x प्लस वाई के इक्वल नहीं लाइट किया था, तो v के प्लेस पे आप क्या पुट कर दोगे, x प्लस वाई पुट करोगे, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, tan x प्लस वाई माइनस sec x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x प्लस c, ये क्या आ जाएगा आपका, सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि आपको गिवन थी। इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट देखिए क्या है, dy upon dx plus 1 is equals to e to the power x plus y। सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले इसको dy upon dx की फॉर्म में लिखोगे, dy upon dx is equals to e की पावर x plus y, और ये प्लस 1 है, दूसरी साइड जाके माइनस 1 में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप लाइट कर लोगे किसको, x plus y को, एज अ v डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, y का करोगे तो dy ओवर dx, और v का करोगे तो कितना आ जाएगा, dv अपॉन dx। तो यहाँ से अगर आप dy ओवर dx की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी, dv अपॉन dx माइनस 1 के इक्वल आ जाएगी। इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कीजिए, dy अपॉन dx के प्लेस पे वैल्यू रखोगे कितनी आएगी, dv अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस वाई माइनस 1। x प्लस वाई के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हो आप, v पुट कर सकते हो, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन सॉरी डी वी अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ई की पावर वी की। अब जो टर्म्स वी वाली फॉर्म में उनको एक साइड लिख लोगे और एक्स वाले टर्म्स को एक साइड, तो ये इसके इंटू में वन लाइट कर लो, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, वन इंटू डी एक्स।
ए की पावर वी, यहाँ से देखिए ए की पावर वी है तो ये ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी, ए की पावर माइनस वी इंटू डी वी इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना हो जाएगा, वन इंटू डी एक्स। दोनों साइड क्या करोगे आप, इसका इंटीग्रेशन करोगे, ऑन इंटीग्रेट। तो इधर की साइड हम कितनी आएगी, ए की पावर माइनस वी इंटू डी वी इज इक्वल्स टू, इधर इंटीग्रेशन करोगे किसका, वन का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना आप सभी पे। तो यहाँ से देखिए ए की पावर माइनस वी का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, ए की पावर माइनस वी और अपॉन में कितना आएगा, माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई तो कर रहे हो आप, ऊपर कर लो नीचे कर लो एक ही बात है। वन का इंटीग्रेशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, एक्स, और प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ऐड करोगे कितना, सी। अब यहाँ से देखिए वी किसके इक्वल था, इधर एक्स प्लस वाई के इक्वल ऐड किया था आपने, तो वी के प्लेस पे कितना पुट करोगे आप, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा है, एक्स प्लस सी। ये पावर माइनस में है तो अपॉन में लिखोगे तो किस में हो जाएगी चेंज, ये प्लस में इज इक्वल्स टू में एक्स प्लस सी। ये इधर डिवाइड में है टर्म, इधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, सो इम्प्लाइज दैट हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस सी इसके साथ में मल्टीप्लाई में जाएगी तो ई की पावर एक्स प्लस वाई, और इज इक्वल्स टू में इधर की साइड कितना बच रहा है, माइनस वन। यहाँ से देखिए माइनस वन आप इधर की साइड लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वन, और इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, जीरो। और ये क्या आ जाएगा आपका, सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपको गिवन है। ठीक है, इसी के साथ ही वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट करिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम क्या ऐड कर लेते हैं, इस कंप्लीट फंक्शन को किसी भी एक सिंपल वेरिएबल के इक्वल ऐड कर लीजिए ताकि जब आप इंटीग्रेशन करो तो आपको क्या पड़ जाए, इजी पड़ जाए। तो यहाँ से ऐड कर लेंगे क्या, 4x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू कोई भी अदर वेरिएबल, सपोज दैट वी ऐड कर लिया, डिफरेंशिएशन कीजिए दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का करोगे वन तो यहाँ से कितना आएगा, फोर, वाई का करोगे तो कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, वन कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो, इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना आएगा, डी वी अपॉन डी एक्स। ओनली डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालें तो ये प्लस फोर है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस फोर। ये सभी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पे क्या पुट करोगे आप, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस फोर इज इक्वल्स टू इस कंप्लीट के प्लेस पे क्या पुट करोगे, वी, और इसका क्या आ जाएगा आपका, स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि वी स्क्वायर। अब यहाँ से ओनली अगर हम वैल्यू निकालें किसकी, डी वी अपॉन डी एक्स की, तो किसकी इक्वल आ जाएगी, वी स्क्वायर प्लस फोर की इक्वल आ जाएगी। अब वी वाले टर्म्स को एक साइड कर लीजिए और एक्स वाले टर्म्स को एक साइड, तो इधर अपॉन में आ जाएगी, वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस फोर इंटू डी वी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे टर्म कितनी आ जाएगी, वन, और इस डी एक्स की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, वन इंटू डी एक्स। अब क्या कर दीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेट। तो इधर की साइड करोगे तो टर्म क्या बनेगी, वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस फोर इंटू डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स। यहाँ पे देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा किसका, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इंटीग्रेशन का, तो एक्स के प्लेस पे कितना है, वी, और ए के प्लेस पे कितना है, फोर, तो इसका स्क्वायर लाना है हमें, यानी कि स्क्वायर की फॉर्म में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टू का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी किसका फॉर्मूला बन रहा है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है भाई, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए कितनी आ जाएगी टर्म, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स कितना है, वी अपॉन ए, ए की वैल्यू कितनी है, टू, और अपॉन में कितना आता है, जो भी आपका सॉरी इंटू में कितना आता है, वन अपॉन ए, वन अपॉन ए, यानी कि वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, टू। साइड में फॉर्मूला लिख लेना अगर याद ना हो, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स किसके इक्वल होता है, वन अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका ये आगे इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, वन का इंटीग्रेशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, एक्स, और इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट क्या ऐड कर दोगे इसमें, सी ऐड कर दोगे। यहाँ से कितनी आ जाएगी टर्म, टेन इनवर्स वी की वैल्यू पुट करना, वी किसके इक्वल ऐड किया था हमने, 4x प्लस वाई प्लस वन के इक्वल ऐड किया था, अपॉन में कितना है, 2 इज इक्वल्स टू ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई में सॉरी डिवाइड में इधर की साइड लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा कितना, 2x प्लस सी। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए इस 2 की, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स है, tan इनवर्स इधर की साइड जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, ये 2 tan x प्लस सी, और यहाँ पे आपकी टर्म कितनी आ जाएगी, 4x प्लस वाई प्लस वन
और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा एक सेकंड, एक चीज़ का ध्यान देना बच्चों, एक मिस्टेक हो गई क्या, ये आपके टर्म कितनी आई थी, 1/2, और इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 × x + c। जब हमने इधर की साइड से tan इधर लिया तो टर्म आएगी आपकी tan, और ये 2 × x + c के साथ में रहेगा, ठीक है। चाहे तो इस 2 के आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आपकी टर्म आ जाएगी 4x + ky + 1। ये 2 इधर डिवाइड में, इधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो टर्म कितनी आ जाएगी, 2 tan, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x + कॉन्स्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये सी ही रहेगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा आपका, इसमें आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें एक और चीज़ का ध्यान देना है, या तो आप इसको यहाँ पे सी रहने दो, जब आप इसके 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2x + 2c। तो चाहे तो आप 2c को कोई भी अदर कॉन्स्टेंट एज अ के ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x + y + 1 = 2 tan 2x + k, और यही क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, नोट करिए। देखिए बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, इसका जो सॉल्यूशन है काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो वीडियो और भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अब आप में से कुछ स्टूडेंट को नहीं पता टेलीग्राम चैनल क्या होता है, तो मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, प्ले स्टोर पर जाओगे आप, वहाँ पर ऊपर सर्च करना टेलीग्राम, ठीक है, नीचे ऑप्शन आ जाएगा, तो आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लोगे अपने फ़ोन में। इंस्टॉल करने के बाद में आप उसको अपने मोबाइल नंबर से, आप ईमेल आईडी से लॉगिन करोगे, ओपन करोगे, तो ऊपर सर्च का ऑप्शन रहता है, सर्च का, तो आप वहाँ पे क्या सर्च करोगे, जनवानी क्लासेस, जनवानी लिखते ही आपके सामने नीचे लिखा आ जाएगा ऑप्शन जनवानी क्लासेस, ठीक है, इससे नाम से कोई भी अदर चैनल नहीं है। तो जनवानी क्लासेस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सबसे मतलब डिटेल आ जाएंगी, तो सबसे नीचे ऑप्शन होगा ज्वाइन का, तो आप वहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करके चैनल में ज्वाइन हो जाओगे, और फिर उसके बाद में जो भी PDF वगैरह है या फिर क्लास की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी आपको वहाँ पे मिल जाया करेगी, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लेना, और बिल्कुल सेफ ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ना ही आपका नंबर शेयर होगा और ना ही कुछ, ठीक है, तो बिल्कुल सेफ आप रहोगे, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात इस पर नहीं है, तो ज्वाइन कर लेना सभी स्टूडेंट। इसके बाद में आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, y - x (dy/dx) = a² ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्या करना है, इसमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इसका। तो सबसे पहले इसको किस फॉर्म में लिख लोगे आप, dy/dx की फॉर्म में लिख लोगे, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, dy/dx = a² और अपॉन में इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में चेंज हो जाएगी, अपॉन में टर्म, यहाँ पे ऐड कर लेंगे किसको, y - x को किसी भी अदर कॉन्स्टेंट, सपोज दैट b के इक्वल ऐड कर लिया, डिफ्रेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो इसका कितना हो जाएगा dy/dx, x का करोगे डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 = b का करोगे तो dv/dx, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू जब आप निकालोगे कितनी आएगी, dv/dx + 1 आ जाएगी। ये सभी वैल्यूज इस वाली इक्वेशन में पुट कीजिए, dy/dx के प्लेस पे वैल्यू पुट करोगे, dv/dx + 1 = a² / y - x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, b, ये प्लस 1 है, दूसरी साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा -1, तो a² / b - 1 हो जाएगी टर्म। अब b वाली टर्म्स को एक साइड कर लीजिए और x वाली टर्म्स को एक साइड, सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखिए, सॉल्व करिए इसको, तो कितना हो जाएगा a² - b / b, ये वाली टर्म्स इधर की साइड जाएंगी, तो b / a² - b (dv) = में कितना बचेगा 1 × dx। अब ये जो टर्म्स आई हैं इनमें क्या करोगे आप, सॉल्व करोगे, यानी कि इनका इंटीग्रेशन करोगे, तो या तो आप पहले इंटीग्रेशन कर लीजिए उसके बाद में सॉल्व कर लीजिए, या फिर पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड देन इंटीग्रेशन करना। सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए नीचे आपको टर्म मिल गया a² - b, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाली टर्म में a² ऐड कर दोगे और a² सब्सट्रैक्ट, तो टर्म कितनी आ जाएगी b - a² और इसमें ऐड कर दोगे कितना a² इसमें ऐड कर दोगे, a² से a² कैंसिल आउट, तो कितना बचाएगा ऊपर b, अपॉन में टर्म कितनी है a² - b (dv) = 1 × dx। अब यहाँ से देखिए ये जो a² - b को अगर हम b - a² की फॉर्म में लिख लें तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन आएगा, उस माइनस साइन की तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगी -k dx, ठीक है। अब इनको अलग तोड़ लीजिए तो b - a² / b - a²
प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए स्क्वायर इंटू डी वी, और इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा है माइनस के डी एक्स। दोनों साइड क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन कर दोगे, ऑन इंटीग्रेट। इसको यहाँ से देखिए, इससे तो ये वाले टर्म कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा वन, तो टर्म आ गई बी इंटू डी वी, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल्स टू माइनस साइन, बाहर को मन लोगे वन इंटू डी एक्स। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए कैसे करोगे, यहाँ से वन का इंटीग्रेशन करोगे बी के रेस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा बी आ जाएगा प्लस वन अपॉन बी माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से देखिए, अगर आप ए स्क्वायर को देखो, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको आप बाहर लिख सकते हो, वन अपॉन बी माइनस ए स्क्वायर की आपकी टर्म बन रही है। तो ये किस फॉर्म में, एक आपकी सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में, तो इसको अगर आप ओनली एक्स के इक्वल ऐड कर लेते हो तो क्या मिल जाएगा, एक्स के इक्वल ऐड करोगे तो यहाँ से देखिए, जैसे कि बी माइनस ए स्क्वायर, इसको हमने ऐड कर लिया किसी भी अदर वेरिएबल एक्स के इक्वल, डिफ्रेंशिएशन करना जरा एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वी अपॉन डी एक्स, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म, इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो, और एक्स का करोगे तो वन, तो डी वी किसकी इक्वल आ जाएगा, डी एक्स की इक्वल आ जाएगा, यानी कि किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन, और वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है लोग एक्स, तो इसका हम सेम ऐसे ही करेंगे, तो ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, इसका करोगे तो कितना आ जाएगा लोग एक्स, और एक्स किसकी इक्वल ऐड किया है हमने, बी माइनस ए स्क्वायर की इक्वल ऐड किया है, माइनस वन का एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा एक्स, और इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ऐड करोगे कितना सी। अब v के प्लेस पे v की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी हमने ऐड की है, v किसके इक्वल ऐड किया था बच्चों, y माइनस x के इक्वल, तो v के प्लेस पे कितना पुट करोगे, y माइनस x प्लस a स्क्वायर log, यहाँ पे भी वैल्यू पुट करो, y माइनस x माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस c। यहाँ से देखिए y माइनस x, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो बिना ब्रैकेट के, y माइनस x, कोई फैक्ट नहीं पड़ा, माइनस x से आपका माइनस x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो y किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, सॉरी y प्लस ए स्क्वायर log y माइनस x माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, c के इक्वल आ गया, और यही क्या आ गया इसमें आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट करिए, इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है एंड आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 3। ठीक है, एक्सरसाइज 3 में आप क्वेश्चंस करोगे किस पे बेस्ड, होमोजेनियस इक्वेशंस पे बेस्ड। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सकें। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।